अरे चेयरमैन साहब कराए चाहे आकाश सक्सेना हनी भैया नगर विधायक जी कराए, तो विधायक जी तो पूरी विधानसभा में काम करा रहे हैं। ज्वाला नगर में आ जाए ज्यादा थोड़ा हो गया तो कहीं कम हुआ है, काम तो सब में हुआ है। लेकिन उनकी टिप्पणी जो की उन्होंने ज्वाला नगर में सिविल लाइन्स को लेकर जो उनका इशारा है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत गलत है। वो एक सभासद है, सभासद की मेमोरी की गरिमा में रहे। उनका काम है नाली के गोबर साफ कराना, लेटरिन साफ कराना, नाली की कीचड़ साफ कराना, वो वही कराएं। कौन कौन? एक जफर है वार्ड नंबर 36 के मेंबर, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था सुबह किसी चैनल, पता नहीं किसी यूट्यूब पे चैनल पे आया था, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रामपुर शहर को आपने दो भागों में बांट दिया, एक भाग वो जो ज्वाला नगर साइड चला गया, रामपुर नया शहर बना रहे हैं आप, एक भाग ये जो पुराना शहर है। इस पुराने शहर के लोगों ने भी आपको वोट दिया और मोहब्बतें दी, आखिरकार इस पुराने शहर के लोगों की क्या गलती है? या तो किसी का दबाव है या आपने किसी से हाथ मिला लिया, ये आप जानते हैं और आवाम भी जानती है। उनके पति मामू शाह को कि उन्होंने हाथ मिला लिया है अंदर से किसी से, तो उस चीज का भी वो खुलासा करे ना कि हाथ किससे मिला लिया उन्होंने। शिर्ड भैया नेता को लेकर आज हमारे साथ है मोदी टीम संघ सपोर्टर के जिला अध्यक्ष निजाम पाशा जी। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक दोपहर वीडियो देख रहा था, वार्ड नंबर 36 का सभासद है वो जाफर है पता नहीं क्या है, वो कह रहे थे एक नया रामपुर पुराना रामपुर, ज्वाला नगर सिविल लाइन्स पे काम हो रहा है और शहर में काम नहीं हो रहा है। तो अब से वो दो साल पहले या चार साल पहले या पूर्व की सरकारों में कहाँ थे, उन्होंने जब कोई बात नहीं बोली। आज वो ज्वाला नगर को सिविल लाइन्स को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी टिप्पणी अच्छी नहीं है। अरे अगर यहाँ काम हो रहा है ज्वाला नगर सिविल लाइन्स में, तो क्या ज्वाला नगर सिविल लाइन्स क्या मुरादाबाद में आता है या बरेली में आता है? वो रामपुर में नहीं आता है, सिविल लाइन्स रामपुर में नहीं है, ज्वाला नगर रामपुर में नहीं है। अगर यहाँ काम हो रहा है तो होते विकास कार्य रामपुर में ही रहे हैं। अरे चेयरमैन साहब कराए चाहे आकाश सक्सेना हनी भैया नगर विधायक जी कराए, तो विधायक जी तो पूरी विधानसभा में काम करा रहे हैं। ज्वाला नगर में आ जाए ज्यादा थोड़ा हो गया तो कहीं कम हुआ है, काम तो सब में हुआ है। लेकिन उनकी टिप्पणी जो की उन्होंने ज्वाला नगर में सिविल लाइन्स को लेकर जो उनका इशारा है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत गलत है। वो एक सभासद है, सभासद की मेमोरी की गरिमा में रहे। उनका काम है नाली के गोबर साफ कराना, लेटरिन साफ कराना, नाली की कीचड़ साफ कराना, वो वही कराएं। कौन कौन? एक जफर है वार्ड नंबर 36 के मेंबर, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था सुबह किसी चैनल, पता नहीं किसी यूट्यूब पे चैनल पे आया था, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनकी जानकारी को बता दूं, उन्हें जानकारी नहीं है, वो जानकारी पहले ले कि ज्वाला नगर सिविल लाइन्स रामपुर में आता या नहीं आता, मुरादाबाद में या बरेली में नहीं आता है। अगर यहाँ कार्य हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, तो आज यहाँ हो रहा है तो कल को आगे भी होगा, परसों को और भी होगा। अच्छा पूर्व सरकारों में उन्होंने किसी को आवाज नहीं उठाई, जब यूनिवर्सिटी की तरफ काम हो रहे थे, यूनिवर्सिटी के रोड बन रहे थे, बापू मॉल बन गया था वहां काम हो रहे थे, शहर के पल्ले कोने पे काम हो रहे थे, जब वो सो रहे थे, जब वो जाग नहीं रहे थे, आज वो हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारे ज्वाला नगर के सिविल लाइन्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उनका इशारा करना गलत है। उनका काम जो अपनी नाली की सफाई कराना है, नालों की सफाई कराना है, अब गोबरों की गोबर जाता नाली में उसकी सफाई कराए, अपने छोटे मोटे जो काम है वो कराए, अपने रोड पोस्टर कराने मोहल्ले के। बार नंबर 36 में हमने पूरे घूम के देखा है, कोई कहीं काम नहीं हुआ है, कचरों के ढेर लगा हुआ जगह जगह सब कुछ है। जीतू मेरे रिश्तेदार है, फैजी चक्कर मामू का बेटा, हमारी डॉक्टर एमबीबीएस थी, वो भी चुनाव लड़ी थी, तो मेरे पूरे वार्ड में घूमा था, आज उस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मामू शाह के दिन से वो मेंबर बन गए हैं, बाकी वो मेंबर बनने लायक नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो गांव से आते हैं, लालपुर से गांव के रहने वाले हैं, यहाँ से आने के सभासद बन गए शहर में, तो उन्हें क्या पता शहर के अंदर काम कैसे होगा, शहर की गली मोहल्लों का उन्हें तो बात 36 के पूरे मोहल्लों का ही पता नहीं होगा, नाली कौन सी बंद है, कौन सी चौक है, कहाँ कूड़ेदान रखना, कहाँ काम होना, कहाँ काम नहीं होना, उन्हें तो जानकारी नहीं है, क्योंकि गाँव से आते हैं वो, लालपुर से गाँव से आने वाले आदमी को शहर का क्या पता कैसे काम होगा, कैसे क्या नहीं होगा। वो प्रलोभ है और वो टिप्पणी नहीं करे हमारे ज्वाला नगर सिविल लाइन्स के ऊपर, ज्वाला नगर की सिविल लाइन्स की हमारी पार्का देखी चमचमा रही है, पूरे सिविल लाइन्स पे विधायक जी ने वो काम किया है, आकाश सक्सेना जी ने, हमारे भैया जी ने, कि पहले घास फूस बहुत बड़ी झांगे खड़ी होती थी, आज देखिए बिल्कुल पेरिस हो रही है, लाइट लग के जगमगा रही है, बहुत शानदार काम हो गया है। तो वार्ड नंबर 36 के मौजूदा सभासद ने कैमरे पर मंच पकड़ कर
छह महीने में इस्तीफा देने की भी बात कही थी कि वार्ड नंबर 36 में अगर कहीं ना कहीं काम में कमी होगी वह इस्तीफा दे देंगे। उनकी एक वीडियो भी है, पहले उस वीडियो पर नजर डालते हैं। एक पाक दामन इंसान आपके सामने ठीक मांग रहा है वोटों की, अगर आप उसको नहीं चुनते हो तो ये 15,000 परेशान करते हो, ये नया अनुसार नहीं करते आप लोग। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा, एमपीए इस्तीफा दिया होगा, एमएलए इस्तीफा दिया होगा, चेयरमैन ने इस्तीफा दिया होगा, लेकिन एक सभासद की कुर्सी मैं छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, छह महीने के अंदर का काम पर खड़ा नहीं होगा। जो कि उन्होंने अपनी जुबानी खुद कहा था चुनाव के पीरियड में, दावन फैलाकर लोगों से भीख मांगने वाले वोटों की जफर ने लोगों से वोट इस बात पर लिए थे, कहा था मैं छह महीने में इस्तीफा दे दूंगा। पत्नी इन्होंने अपनी गाड़ी पे चेयरमैन लगवा लिया था, नगर पालिका चेयरमैन, इन्हें कहा का अधिकार था? अरे भाई, इन्हें चेयरमैन लगवाने का अधिकार थोड़ी ना था। अब तो मुझे ऐसा लगता है ये ठेकेदारी करना चाह रहे थे, इन्हें ठेकेदारी मिली नहीं, ठेकेदारी करना और इन्हें कमीशन मिला नहीं, अब जो है खिसानी बिल्ली खम्बा नोचा वाला हिसाब है इनका, और इन्हें कोई नहीं पता, कोई मतलब नहीं है। ये तो गांव है लालपुर, अब ये गांव समझ रहे थे, ये लालपुर गांव नहीं है, ये शहर है, और शहर की राजनीति में ज्यादा ना पड़े, ये ज्वालानगर और सिविल लाइन्स की राजनीति में ज्यादा ना पड़े, अगर ये ज्यादा पड़ेंगे तो इसका परिणाम इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत गलत कर रहे हैं, जो इन्होंने टिप्पणी की है कि ज्वालानगर में नया रामपुर और पुराना रामपुर, ये हमारे सिविल लाइन्स को ज्वालानगर को क्षेत्र को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। 2 साल पहले 4 साल पहले 5 साल पहले सो रहे थे इनके आगे क्यों नहीं खुली, जब ये बात का इसका बयान देते तब हम इन्हें जानते मर्द के बच्चे हैं, तो तुम मर्द के बच्चे हो, तुमने आवाज उठाई है जुल्म के खिलाफ, कल जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई पूर्व सरकारों में, पूर्व सरकारों में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हम जब जानते हैं इन्हें, क्योंकि इनकी गांठ फटती थी पूर्व के आवाजों में आवाज उठाने की, इनकी औकात नहीं थी, इनकी हिम्मत नहीं थी, हमने आवाज उठाई तो हमने जेलें काटी, ये आज भी हमने जब तक सरकार रही हम डरे नहीं, हम लोगों ने जेलें काटी कुछ भी किया, लेकिन हम किसी के आगे झुके नहीं, न सरकार के और न प्रशासन के। ले आज ऊपर वाले का शुक्र है तो योगी जी मोदी जी के राज में पूरा हिंदुस्तान का आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मजा ले रहा है, और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे योगी जी मोदी जी मान्य काम कर रहे हैं, और रामपुर के अंदर 37 विधानसभा में मान्य आकाश सक्सेना अनिवार्य हमारे पूरी विधानसभा की देखभाल कर रहे हैं, उन्होंने अपना इतना बड़ा मतलब एक सेवक कार्यालय खोल रखा, सुबह से शाम तक हजारों आदमी आते हैं फरियाद लेके, और सबकी फरियादों का हाथों हाथ निस्तारण करते हैं, और ये जफर को क्या हो, अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा हूँ, मुख्यमंत्री समझ रहा हूँ, तुम हो क्या एक ना एक मेंबर हो, मात्र मेंबर, वो भी बन गए मामूल शागिर्द हैं इनसे, पूरे जीवन में आप मेंबर भी नहीं बनोगे। लगातार रामपुर की नगर पालिका जगह जगह कार्य करा रही है, जहां जहां कार्य चल रहे हैं, और इस सवाल पर जफर के सवाल पर निजाम पाशा जी ने जवाब दे दिया कि रामपुर और ज्वालानगर अलग अलग नहीं है, ये पूरा शहर रामपुर है, जहाँ पर एक से लोग रह रहे हैं, हर जगह कार्य चला है, हर जगह काम हो रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट समीर अहमद के साथ उबैद खान, शार्फ मीडिया न्यूज, रामपुर।